जय जगन्नाथ। जगन्नाथ यात्रा में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप जगन्नाथ पुरी कैसे पहुंच सकते हो, फ्लाइट से, बस से और ट्रेन से। पुरी पहुंचकर आपको होटल किस जगह लेनी है उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में अच्छे से बताया है, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखो। और कल ही शाम को हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की तीसरी सीढ़ी का राज और जगन्नाथ जी के मंदिर के चारों तरफ जो चार दरवाजे हैं उसके बारे में हिस्ट्री और जगन्नाथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और कुछ ऐसे फैक्ट, भगवान श्री जगन्नाथ जी के कुछ ऐसे रहस्य जिसे आज का विज्ञान भी प्रभु जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ यात्रा। जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग गाइस, जय जगन्नाथ। तो मैं हूँ पुरी के अंदर और जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ से जगन्नाथ टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये पास में ATM है, ATM में थोड़ा कैश निकालने के लिए रुका था। अभी चलते हैं टेम्पल। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ये देखिए। मैं ज़रा यहाँ पे रुका हूँ थोड़ा सा, अभी लेते हैं यहाँ से ई रिक्शा और जाते जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से आपको ऑटो, अगर मंदिर से आप 4-5 किलोमीटर दूर कहीं भी होटल लेते हो तो ऑटो आपको 50-60 रुपये में मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं मंदिर, आपको दर्शन करवाते फिर से। मंदिर ऑनलाइन होगा पेमेंट? ऑनलाइन पेमेंट। 200 का केस चेंज होगा? कितना चेंज है? कितना है मंदिर का? मंदिर का 50 रुपये 50 रुपये का। 50 रुपये 200 है, चलेगा ना? चलो गाइस, ई रिक्शा ले लिया है। यहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर है, 50 रुपये है। बारिश आ रही है इसके लिए निकल लेते हैं, कुछ नहीं। ये था ATM, ये सामने सर्कल है। यहाँ पे अपने बाबा अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ से चलते सीधा। कल हम मंदिर मेन रोड से गए थे, आज हम गलियों के अंदर से होके जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये भगवान जगन्नाथ जी का जो सिंह द्वार है, मेन मंदिर का जो गेट है, जस्ट उसके सामने जो गली है उस गली से होते हुए जाएंगे। गाइस मंदिर के पास पहुंच गया हूं। देखो छोटी सी गली से सामने दिख रहा टेंपल। मंदिर के जस्ट सामने वाली गली में भी आप सूज और मोबाइल जमा करवा के फिर दर्शन करने जा सकते हो, फिर वापस आके अपने सूज मोबाइल ले सकते हो। और ये सामने की तरफ है सिंह द्वार और यहाँ पे देखिए आरती चल रही है भगवान की। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 7 बजे हैं और यहाँ पे भगवान की आरती चल रही है। सुबह के 7 बजे है और सुबह 5 बजे लोग आके लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये पूरी लंबी लाइन है, ठीक है, वहाँ पीछे तक लाइन है और पब्लिक देखिए आप सुबह मार्केट में। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ जी की परिक्रमा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आपको एक एक दरवाजा दिखाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के धाम की एक परिक्रमा लगा देते हैं। तो ये है सिंह द्वार और ये पूर्व दिशा में स्थित है और इसे धर्म द्वार भी कहा जाता है। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। अंदर आते ही आपको ये सामने दिखेगा सूर्य स्तंभ, इसकी ऊंचाई है 25 फीट। मंदिर के लेफ्ट साइड में ही आप अपने हाथ और पैर धोकर फिर मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। तो चलिए अभी पूर्व द्वार से चलते हैं दक्षिण द्वार की तरफ। मैं आ गया हूँ दक्षिण द्वार, ये पीछे है दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार के दोनों तरफ दो घोड़े हैं और इसे अश्व द्वार भी कहा जाता है। और दक्षिण द्वार के लेफ्ट साइड में ही पास में आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। यहाँ के जो लोग हैं गाइस बहुत हार्ड वर्क करते हैं मंदिर में। ये सारे प्रसाद बनाने के बर्तन है, इसमें प्रसाद लेके फिर बांटा जाता है। ये देखिए
मंदिर के तीनों दरवाजों की तरफ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है अभी। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर के पश्चिम द्वार की तरफ, और जो पश्चिम द्वार है मंदिर के जस्ट पीछे बैक साइड की तरफ है, तो चलिए उधर चलते हैं। प्रसाद बनाने के लिए देखिए ये मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते हैं, और मंदिर के इधर साइड में पूरी गाड़ियाँ खाली होती है, इन्हीं में प्रसाद बनता है। और आप मंदिर में दर्शन करने आओ तो प्रसाद ज़रूर खाना यहाँ का। इधर फिलहाल काम चल रहा है देखिए मंदिर के चारों तरफ रोड का। मंदिर के राइट साइड में भी पूरा काम वगैरह चल रहा है कंस्ट्रक्शन। मैं मंदिर के चारों तरफ घूम रहा हूँ अभी, ये देखिए ये मंदिर है, मैं इधर से आया तो आप भी ऐसा मंदिर के चारों तरफ घूम सकते हो, देख सकते हो पूरा घूम के। तो ये है मंदिर के पीछे पश्चिम द्वार, इसको बाग द्वार भी कहा जाता है और काम द्वार भी कहा जाता है। एक बात और, मैं अभी मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ खड़ा हूँ, और इस गेट से यहाँ के जो लोकल लोग हैं उड़ीसा के, उन लोगों के लिए एंट्री है। यहाँ पे उनका आईडी चेक होता है और सीधे अंदर, यहाँ से अंदर एंट्री हो जाती है, उनको लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो अभी चलते हैं उत्तर द्वार की तरफ। ये गाइस बीच में मंदिर है, और मंदिर के चारों तरफ ऐसे रोड बना हुआ है, आप चारों तरफ घूम के देख सकते हो मंदिर के चारों दरवाजे। तो ये है जगन्नाथपुरी का उत्तर द्वार, जिसे हस्ती द्वार भी कहा जाता है और मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। धाम की परिक्रमा के बाद अभी मैं आपको बताने वाला हूँ धाम से जुड़े 10 ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिसके आगे आज का आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होकर महाप्रभु जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आता है। और उसके बाद मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। फैक्ट नंबर 1 गाइस, मैं हूँ जगन्नाथ टेम्पल के बाहर, ये जस्ट पीछे मंदिर है, ठीक है अभी लाइनें लगी दर्शन के लिए। और मैं आपको यहाँ के एक बहुत डेंजर वाले रहस्य के बारे में बताता हूँ, ये देखिए अभी आप। सिक्कर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के सिक्कर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। एक रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज शाम 5 बजे उल्टा चढ़कर बदला जाता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। पौराणिक काल में पतित पावन बाना ध्वज 240 फीट थी, जो 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। सन 1999 में 5 टन वजनी पत्थर के गिरने के बाद ध्वज को 21 फीट कर दिया गया। गाइज मैंने सिर्फ सुना था कि जगन्नाथ के ऊपर जो फ्लैग है टेंपल के ऊपर, वो हवा के विपरीत दिशा में मतलब लहराता है। अभी आप देखो ये है लेफ्ट साइड लहरा रहा है, ठीक है, और इसके जस्ट बाजू में ये टेंपल है, अभी इसका फ्लैग देखो राइट साइड में जा रहा है, क्योंकि हवा राइट साइड में चल रही है। ये देखिए आप, ये फ्लैग इसके ऊपर भी देखिए लाइव, देखिए ये फ्लैग राइट साइड में लहरा रहा है, और ये देखिए फिर जगन्नाथ जी का फ्लैग देखिए लेफ्ट साइड में, भाई ये आंखों के सामने है। आज सुना था सिर्फ, आज देख भी लिया। गाइज अभी देखिए मैं जगन्नाथ जी मंदिर के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, और अभी आप देखो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर ये जो सुदर्शन चक्र दिख रहा है, इसके ऊपर जो फ्लैग है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में लहरा रहा है, ठीक है। और अभी आप जस्ट 50 मीटर दूर जहाँ से लाइनें लग रही है वहाँ पे मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर फ्लैग देखो राइट साइड में जा रहा है, ये आपकी आंखों के सामने देखो। ओ अभी क्या बोलोगे आप इस चीज़ को, देखिए जगन्नाथ जी का लेफ्ट साइड में और जो पास में 50 मीटर दूर मंदिर है वो फ्लैग राइट साइड में जा रहा है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा बताइए आप। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 2, अभी आपको मंदिर के सिक्कर पर ध्वज के जस्ट नीचे भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र दिख रहा होगा, यह अष्ट धातु से निर्मित है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है,
और इस सुदर्शन चक्र को पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी तरफ है। अभी गाइस देखो, मैं मंदिर के जस्ट फ्रंट सामने की तरफ खड़ा हूँ और ऊपर सुदर्शन चक्र मेरी तरफ है, ठीक है। अभी जस्ट आपके सामने लाइव देखते, मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हूँ मैं, सुदर्शन चक्र मेरी तरफ है। अभी मैं इधर से लेफ्ट साइड में पूरा उधर जाऊँगा, ठीक है, वहाँ से देखते अपन सुदर्शन चक्र। गाइस मैं पहले उस साइड में था, पूरा वो लाइनों के उधर, इसके इधर लाइन के उधर फ्रंट साइड में मंदिर के, अभी पूरा लेफ्ट साइड में आ गया हूँ मैं। सुदर्शन चक्र देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ ये देखिए। पहले मैं मंदिर के बिल्कुल सामने की तरफ था और अभी मैं लेफ्ट साइड में आया हूँ और सुदर्शन चक्र देखो मेरी तरफ दिख रहा है। नंबर 3, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के गुबंद पर नहीं बैठते हैं पक्षी। मंदिर व मस्जिदों के गुबंदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे होंगे आपने, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ के मंदिर के गुबंद पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते हैं। अभी आप देखिए, जो जगन्नाथ जी का मेन मंदिर है उसके सामने और राइट साइड में ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे, ये वाले मंदिर पे बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। और जो सामने की तरफ मंदिर है उस पे भी पक्षी बैठे हैं, वाइट वाले पे, इस पे, बट जो मेन जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जो सुदर्शन चक्र और फ्लैग लगा हुआ है, उस मंदिर पे ना तो पक्षी बैठते हैं ना उसके ऊपर उड़ते हैं। हाँ, उसके आसपास ज़रूर जा रहे हैं पक्षी, पर उस मंदिर के ऊपर नहीं, ना तो बैठ रहे हैं और ना ही उड़ रहे हैं ये मंदिर के ऊपर। अभी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और श्रद्धालु लाइनों में लगे हैं दर्शन करने के लिए। ये पूरा मंदिर का व्यूज़ और ये इधर राइट साइड में सामने की तरफ ये सारे होटल्स हैं। मंदिर के जस्ट सामने भी आपको सारी ये होटल है, तो यहाँ पे आप होटल के नीचे अपने जूते वगैरह मोबाइल जमा करवा सकते हो। मोबाइल और जूते जमा करवाने के बाद आप यहाँ से होते हुए लाइन से आगे आओगे दर्शन करने के लिए। ये 6-7 रो बनी हुई है पूरी बड़ी सी, तो वहाँ से आप लाइन में लगोगे और यहाँ से आगे होते हुए फिर यहाँ पर सामने मंदिर के जस्ट सामने आपकी यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होगी, फिर आप आगे जाओगे दर्शन करने के लिए। ये देखिए, अभी थोड़ा सा मैं फ्रंट गेट के लेफ्ट साइड में हूँ और ये सामने वाले मंदिर पे देखिए पक्षी बैठे हैं। पीछे जो मेन मंदिर है, ये वाला जगन्नाथ जी का मंदिर है मेन, इसके ऊपर नहीं है। नंबर 4, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की छाया नहीं बनती है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ऊँचाई लगभग 214 फीट है और यह 400,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुबंद की छाया दिन के किसी भी समय कभी भी नहीं बनती है। आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरान है कि बिना परछाई के कोई चीज भला अस्तित्व में कैसे हो सकती है। नंबर 5, यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर के समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करते समय समुद्रों की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज़ गायब हो जाती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलोगे तो आवाज़ फिर से दोबारा आने लगेगी। शाम की आरती के समय सिंह द्वार पर आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, जगन्नाथपुरी मंदिर में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, मतलब हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा रसोईघर 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाया जाता है। लगभग 20,00,000 भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ 1,000 लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया हो, लेकिन इससे लाखों लोग पेट भर सकते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन में सबसे पहले खाना पकता है ना चमत्कार। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 8, मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों का निर्माण
दोबारा किया जाता है, उनकी पहली बनी हुई मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नए मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। फैक्ट नंबर 9, महान सिख सम्राट महाराज रणजीत सिंह ने जगन्नाथ मंदिर को इतना सोना दान में दिया था कि उससे एक नहीं बल्कि दो स्वर्ण मंदिर बन सकते थे। और अपने अंतिम दिनों की वसीयत में उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा वो भी मंदिर को दान कर दिया था, जो मंदिर तक पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी पूरी वसीयत के साथ छीन लिया था। फैक्ट नंबर 10, भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्म प्रदात का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म प्रदात का रहस्य है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद की जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है, इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नव कलेवर कराया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी व्यक्ति ने उसे आज तक देखा नहीं है, सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म प्रदात को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं और वह प्रदात किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ को धरती का वैकुंठ माना गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़ा हुआ रहस्य। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके लोग पाप मुक्त होने लगे थे। यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और कहा, भगवान आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन करके बड़ी आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज जी की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद उस यमशिला पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और यमलोक जाना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में प्रवेश करते समय आपको उस सीढ़ी पर पैर रखना है, पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। अभी बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों स्कंद व ब्रह्म पुराण की पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म लिया था। उस समय सबर जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले के मुखिया विश्व वसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नील माधव भगवान की पूजा व आराधना की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रदुमन को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहाँ से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्व वसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नील माधव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंद्रदुमन यह जानते थे कि विश्व वसु जी जैसे परम भक्त ही इस लट्ठे को ला सकते हैं। इंद्रदुमन ने यह देखकर बड़े खुश हुए कि प्रभु ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। पर अब इंद्रदुमन के सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाया जाए। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्ति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की।
मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो इस काम को एक महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं, ना कोई उसमें प्रवेश करेगा। जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, उन्होंने कहा, राजा जी, आप भी इस नियम का पूर्ण पालन करेंगे। राजा ने कहा, महाराज, वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्तियों का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल आवाज़ भी नहीं आ रही थी, तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि क्या हुआ, अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। आखिरकार राजा ने अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राजा ने दरवाज़ा खटखटाया और वह अंदर जाकर देखने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ, और वह वृद्ध व्यक्ति भी नज़र नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु की इच्छा मानकर राजा इंद्रदुमन ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अवस्था में हैं। यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में मूर्तियाँ पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई। तभी से काष्ठ से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पूरी जगन्नाथ में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जय जगन्नाथ। ये जो है खाजा मिठाई है, तो ये मिठाई आप ज़रूर घर पे लेके जाना और ज़रूर ट्राई करना। यहाँ की फेमस मिठाई है, खाजा नाम है इसका, खाजा खा जाने का। अच्छी मिठाई है, मस्त स्वीट है। और देखिए, अभी मैं मंदिर के सिंह द्वार की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेन जो फ्रंट गेट है वहाँ पे जा रहा हूँ। जगन्नाथ के दर्शन करवा दिए गाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखो। लगता है गाइस उड़ीसा में गर्मी बहुत पड़ती है। 8:30 का टाइम है, बहुत मतलब धूप, एकदम से पसीना बहुत निकल रहा है। 8:30 मॉर्निंग, और यहाँ पे अभी बारिश भी हुई है। देखिए रोड गीला है और गर्मी लग रही है पूरी डेंजर वाली। इतनी गर्मी मुंबई पुणे में भी नहीं है। देखिए यहाँ से मंदिर बोरा लगभग 300-400 मीटर दूर है, और वहाँ से यहाँ तक चल के आया हूँ मैं। ऑटो मेरे को एक भी नहीं मिला, अभी ये ई रिक्शा खड़ा है। अभी चलते वापस होटल पे, रूम पे, फिर आपको दिखाते आगे बीच, गोल्डन बीच। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम पुरी के सारे बीच कवर करेंगे और पुरी के सारे साइट सीन कवर करने वाले, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखो। जय जगन्नाथ।